हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर नारद आश्रम। तो कहते हैं यहाँ पर कुछ समय तक नारद जी ने विश्राम किया था, इसीलिए इस स्थान को नारद आश्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बची थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बाकी तो सब कुछ यहाँ पर नया बन गया है। और ये बहुत ही ऊंचाई पर मंदिर है, बहुत ऊंचा मंदिर है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सीढ़ियाँ कितनी ऊपर हैं, ये लोग दौड़ दौड़ के चढ़ रहे थे और काफ़ी थक गए थे। एक तो बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी यहाँ पर, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और नारद जी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है मंदिर नारद आश्रम। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, यज्ञशाला बना हुआ है, गौशाला बना हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये दुर्गा जी का मंदिर है। और एक ब्रह्मचारी जी थे जो अभी हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो ये इनकी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पे जो हमारे रह चुके विष्णुकांत जी शास्त्री राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ये प्रतिमा लगवाई थी तुलसीदास जी की, तो ये भी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और इधर राम दरबार का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर हैं। हनुमान जी का मंदिर है, भोले बाबा का भी मंदिर है छोटा सा। और सारे जो फूल पौधे होते हैं, बेल पत्र वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और आप हरे भरे इस वातावरण को देख सकते हैं, कितना अच्छा शुद्ध वातावरण है यहाँ पर। तो यहाँ पर आके आपका मन खुश हो जाएगा, इतनी शांति और इतना हरा भरा शुद्ध वातावरण देख के। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पक्षी भी हैं, पक्षी तो जो मैं आप लोगों को, बहुत ही आराम आराम से हम लोग चल रहे थे जिससे पक्षी भाग जा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा पीकॉक थी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पीकॉक थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चलो अभी उधर से ही आगे मिल चल के, जाएगी। वो हम लोगों के जैसे ही पत्ते पे पैर पड़ता वैसे ही छुप जा रही थी। ये देखिए आप लोग, जैसे भी हम लोग चलते तो वो पत्ते से आवाज़ आती तो वो छुप जा रही थी अंदर। ये देखिए दो इधर से भी भागी जा रही हैं। तो गांव के शुद्ध वातावरण की बात ही कुछ और होती है। और जहाँ कहीं ऐसे स्थान हो वहाँ का तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा। और ये इधर पे हमारे यहाँ ये यज्ञशाला बना हुआ है यहीं अंदर, और इस यज्ञशाला को आप रोक के ज़रूर देखिए। इसके अंदर से ही पीपल और बरगद के पेड़ हैं, जिसको पूजा करनी हो तो वो पीपल और बरगद की अंदर से भी पूजा कर सकता है। और यज्ञशाला के चक्कर लगाने से, परिक्रमा करने से आप लोगों को पता है कि कितना अच्छा फल मिलता है। आराम से, बिल्कुल आराम से देख के नीचे, इधर से बिना चप्पल तो नहीं है, आई होप लग आप गया लोग वीडियो को एंजॉय करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को।
तो उन्हें कैमरा हाथ में लेके और शूट कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था कैमरा। और ये ऊपर भी एक पीकॉक बैठी हुई थी, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मौका मिले तो आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। और यहाँ पर कैक्टस के भी बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, तो कहते हैं कैक्टस के ये जो कांटे होते हैं इसमें, इससे नाक कान छेदने से ये नाक कान जो पक जाते हैं वो पकते नहीं हैं और बहुत अच्छे से नाक कान छेद जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को शायद बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देख के।